सिर्फ और सिर्फ रेयर। ये देखो भाई दोनों लगाते हैं। सो हेलो फ्रेंड, बन सकें गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर जेड पी एम ब्लॉग्स। तो अब यार फिर से यार अपने साथ यार अपनी पल्सर N150, और आज मैं आप लोगों को इसकी बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो है भाई इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट यार मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बता दूँ यार मैं आप लोगों को इसमें ना भाई आगे की तरफ आप लोगों को डिस्क ब्रेक प्लस ABS देखने के लिए मिलता है। बात करें रेयर में तो आप लोगों को इसमें सिर्फ डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। बाकी ना अगर आप लोगों को ओल्ड N150 का देखना है ना, जिसमें भाई आप लोगों को सिंगल डिस्क जो देखने के लिए मिलती थी, उसका चैनल पर जाकर के देख लेना। बट आज अपन इसका टेस्ट करने वाले हैं, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है या फिर नहीं तो आप लोगों को वो वीडियो के बाद में पता चलने वाला है। तो चलो देखते हैं। और अभी सबसे पहले भाई फ्रंट का मैं आप लोगों को अलग चेक करके दिखाने वाला हूँ, रेयर का अलग, फिर दोनों का कंबाइन करके किस तरह से भाई ये रुकती है हाई स्पीड पे, तो वो आप लोगों को भी पता चलने वाला। सो लेट्स गो। सो चलो भाई अभी यार सबसे पहले थोड़ी सी ना फ्रंट ब्रेकिंग यार मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और कुछ इस तरह के हाईवे पे, फिर उस हाईवे रोड्स पे कह सकते हो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़े अलग तरह के रोड्स पर दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं फ्रंट वाला दिखाऊँगा भाई आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से थी भाई, एकदम बंद हो जाती है, मतलब गेयर यार इसके अंदर ज़्यादा थे, बट अगर देखोगे ना तो वैसे ठीक है इसका ओवरऑल जो भी यार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक तरह से रुक भी जाती है, ABS की तरह वर्क भी कर रहा है। ये था भाई इसका फ्रंट, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसका रेयर वाला ब्रेक किस तरह से काम करता। तो फ्रंट वाला तो भाई ठीक था, ग्रिप भी ठीक बना रहा है, ABS की तरह वर्क भी कर रहा है, बट कभी कभी यार ये डिस्क ब्रेक की तरह काम करने लगता है। तो चलो अभी लेते हैं भाई यूटर्न, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रेयर वाला किस तरह से काम करेगा, और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अगर आप दोनों का अप्लाई करोगे तो किस तरह से रहने वाला, मतलब फ्रंट और रेयर वाला अगर आप अप्लाई करोगे तो किस तरह से रहता है। सो लेट्स गो, अभी रेयर वाला आप लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ। अरे भाई तो ये था भाई वो थोड़ा सा इसमें ना ग्लिच टाइप का कह सकते हो, मैंने ना ग्लिच यार इसका प्रेस कर लिया, तो उस वजह से उस तरह की यार ब्रेकिंग हो नहीं पाई। तो चलो दूसरे राउंड में आप लोगों को दिखाता हूँ यार, अभी आगे यार गाड़ी आ रही थी ना इस वजह से। सो चलो भाई अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यार इसकी रेयर ब्रेकिंग स्पीड, यार मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, ज़्यादा यार मैं रखने नहीं वाला, सेम वही जो पहले थी। तो चलो देखो 50 तक यार मैं रखूँगा, और ये कुछ इस तरह से भाई अगर पूरे लगाओगे ना तभी जाके यार ये स्लिप वगैरह जो भी चीज़ लगा दी है बंद यार, ये अभी भी देखो सेकेंड गियर में थी बंद हो गई, तो बंद होने का यार इसके अंदर रहता है एकदम, अगर एकदम लगाओगे ना भाई इसके आप तो इस तरह से यार ये थोड़ी बंद हो जाती है। फ्रंट वाले की बात करो चाहे रेयर वाले की बात करो, तो अभी यार आप लोगों ने दोनों देख लिए होंगे, और ज़्यादा स्पीड थी नहीं भाई, ये भी चीज़ यार आप चेक करना। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ ना, फ्रंट और रेयर दोनों मैं आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह से भाई ये रुकने वाली है अपनी N150। अभी तक तो फिर भी यार मुझे ठीक लग रहा है, बट ये बंद होने का भाई नाटक यार समझ में नहीं आ रहा। वो तो कोई नहीं भाई, हो जाती हैं यार बाइक्स वगैरह बंद। तो चलो अभी देखो भाई ये इसका किस तरह से रहने वाला है, दोनों का अप्लाई मैं करने वाला हूँ 70-30 फ्रंट वाला और रेयर वाला, उसके बाद में एक अलग तरह के रोड्स पे दिखाऊंगा। हम बच्चे मज़े ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 50। तो भैया अगर दोनों का देखोगे तो एकदम परफेक्ट है, एकदम वहीं पे आ रही है, रुक जाती है, ज़्यादा इशू आ रहा आप लोगों को देखने, इशू भाई देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। बट अगर फ्रंट और रेयर का ना एकदम ठीक तरह से आ रही है काम करता है, इसमें चू चू वगैरह किसी तरह की यार आवाज़ भी नहीं आती है, जो भाई कह ओल्ड वाली थी ना उसके रेयर वाले ब्रेक में से आवाज़ आती थी। तो ये तो था भाई इसका अभी तक यार आप लोगों ने देखा होगा इसका फ्रंट रेयर, और दोनों अगर अप्लाई करते हो तो किस तरह का ये रहता है। बट अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने वाला हूँ इसका किस तरह से भाई ये अगर थोड़े से अलग तरह के रास्ते हैं ना थोड़ा सा वहाँ पर आ रही है किस तरह का काम करने वाला है, तो वो भी यार अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। सो अभी चेक कर लो, और अभी यार आप लोगों ने देखा होगा एक अच्छे खासे हाईवे पे, हाईवे तो नहीं रोड पे यार आप लोगों ने देखा होगा, बट अभी क्या ना इस तरह का ही रोड मतलब डला हुआ नहीं है, तो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरह की यार इसके फ्रंट वाले ABS की ग्रिप रहने वाली है। जैसे कि यार मैंने आप लोगों को बताया था फ्रंट की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक प्लस ABS, पीछे की तरफ तो भाई इसमें डिस्क ब्रेक मिलता ही है। तो चलो देखते हैं, बाकी हाई स्पीड पर ज़्यादा मैं चलाऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह का रहने वाला है। तो अभी बाइक पर स्विच करते हैं भाई, तो चलो देखो भाई अगर इस तरह के रोड से तो यहाँ पे भाई किस तरह की ग्रिप रहती है। तो बाकी ज़्यादा तेज़ मैं चलाने नहीं वाला हूँ, तो लेट्स गो। स्पीड आप लोगों को दिखेगी नहीं, मैं दिखा दूँगा अभी समथिंग भाई 50 तक की यार मैं चलाऊँगा, फ्रंट वाला अप्लाई करेंगे। ये भाई कुछ इस तरह से देखा होगा, मतलब ABS में से भी मतलब अच्छी खासी आवाज़ आ रही थी, ब्रेक यार अपने आप छूट गए। तो फ्रंट का तो भाई कुछ इस तरह से आप लोगों ने देख लिया होगा, कभी कभी तो भाई एकदम बड़ी ठीक तरह से आ रही है काम करता, बट अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका रेयर का किस तरह से काम करने वाला है।
तो वो भी एक बार चेक कर लो। तो अभी जो है ना मैं सिर्फ इसमें रेयर वाला लगाने वाला हूँ, सेम स्पीड रखेंगे समथिंग 50 सिर्फ और सिर्फ रेयर। तो दोनों भाई एकदम ठीक तरह से यार ये काम करते हैं। बट जो इससे पहले वाली जो बाइक थी ना अपने पास, जिसमें कि भाई ड्रम मिलता था, तो उसमें तो भाई स्लिप लगाने से भी नहीं लगता था, बट इसमें यार अच्छी तरह से काम कर जाता है। तो बाकी एक बार मैं दोनों यार आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ, अभी ना मैंने सिर्फ। तो चलो ये देखो भाई दोनों लगाते हैं। तो ये भाई ये ना ब्रेक यार ऐसे मतलब पता नहीं ज़ोर से लगाता है ये वाला जो फ्रंट वाला ना, अगर आप लगाओगे ना इसे थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से, अगर इस पर ज़्यादा आप प्रेशर दोगे तो ये मतलब ऐसे लगता है थोड़ा सा इस तरह से निकलता है भाई ये हाथ में से उस तरह से। काम तो भाई अगर देखोगे ना तो ब्रेकिंग तो ठीक तरह से काम करती है, बट इसमें थोड़ा सा ये रहता तो इस तरह से भाई ये करता रहता। तो ये था भाई कुछ इस तरह के रोड्स पे आप लोगों ने देखा होगा, और बाकी हाईवे पे भी आप लोगों ने देख लिया। तो ज़्यादा स्पीड यार अभी थी नहीं अपनी बाइक की, तो अभी हाई स्पीड पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी भाई स्टेबल रहने वाली है कितनी नहीं। तो चलो एक बार लास्ट बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखो तो ये भाई ठीक तरह से रुक जाती है, बट रुकने के बाद इस बार यार बंद हो ही नहीं, वरना अदरवाइज़ यार क्या ना अगर ज़्यादा हाई स्पीड से लगाते हो ना। तो ये देखो पहले भाई इतने ज़्यादा यार इसमें स्लिप लगाए थे, तो ठीक तरह से यार अभी ये न्यू अगर लोगे ना तो उस तब यार आप लोगों को इस तरह का रिस्पॉन्स दिखेगा नहीं इसमें, बट राइड करते रहोगे फिर यार इसके अंदर से रिजल्ट निकल के आता है। तो अभी तक तो भाई इसकी ब्रेकिंग यार ठीक है पूरी परफेक्ट। तो ये था भाई अभी तक कार इसका रिजल्ट अपनी पल्सर N150 का, आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से आ रही है, फ्रंट और रेयर काम करते हैं। और दोनों टाइप के यार जो होते हैं ना रास्ते यार, एक तो इसी टाइप का होता है, बाकी जो मेन रोड थे और वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया उस तरह से किस तरह का। इसका फ्रंट की बात करो चाहे रेयर वाले की बात करो किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है। बट अभी तक यार जो मुझे लगा ना जो ओल्ड वाली N150 थी, जो यार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भैया कौन सी लेनी चाहिए, तो ये वाली बेटर रहती है। डिजिटल मीटर की वजह से नहीं भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी ब्राइटनेस कम है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। सिर्फ इसमें एक बेनिफिट ये है इसकी ब्रेकिंग आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है, तो वो आप लोगों ने देख ली होगी। और यही चीज़ यार मुझे आप लोगों को दिखानी भी थी। तो एंड के भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी किस तरह की यार इसकी अपनी पल्सर एन की ब्रेकिंग रहने वाली है, पूरी ठीक तरह से काम करती है। सिटी में चलाओ, हाईवे पर चलाओ, हाई स्पीड पर चलाओ, चाहे आप फ्रंट वाला यूज़ करो चाहे रेयर वाला यूज़ करो, बट ऐसे भाई करता नहीं क्योंकि मतलब फ्रंट का यूज़ करो का रेयर का, दोनों का भाई 70-30 भाई आप लोगों को यूज़ करना पड़ता। तो ओवरऑल यार अच्छा रिजल्ट निकल के आता। बाकी एक ये छोटा सा वीडियो था जो मुझे आप लोगों को दिखाना था किस तरह की यार इसकी मतलब ब्रेकिंग अगर कंपेयर करूँ ना ओल्ड वाले मॉडल से, तो उससे भाई 100 times बेटर है, चाहे फ्रंट वाले की बात करो चाहे रेयर वाले की। बट अभी यार ये ठीक काम कर रहा था, कभी कभी क्या ना भाई ABS की तरह से यार ये काम करता नहीं। ABR चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, काम मतलब ठीक करता, डिस्क ब्रेक की तरह यार ये काम करता है जैसे ABS होता ना उस तरह से कभी कभी काम नहीं करता। बट अभी जो आप लोगों ने वीडियो में देखोगे ना इस टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट यार इसने काम किया था, बट फिर भी ठीक है यार ओवरऑल। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी यार आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो और कैसे लगा, और किस टाइप की यार आप लोगों को वीडियो चाहिए अपनी N150 से बताना यार आप लोग। बट फिलहाल अभी के लिए तो यार इतना ही, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।